वेलकम टू बैक माई चैनल बोका फोन रिसीवर्स। तो है गाइज, आप लोग को जैसे पता है कि सैमसंग फाइनेंस लॉक जो होता है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये एक्चुअली अभी के फ़ोनों में जो सैमसंग का जो लेटेस्ट फ़ोन आ रहा है उसमें जो है ना, ये सैमसंग फाइनेंस प्लस लॉक आ रहा है, जो कि फाइनेंस के अलावा फ़ोन EMI किस्त पे लेता है। तो ज़्यादा ड्यूज हो जाने की वजह से कस्टमर जमा नहीं कर पाता है बिल या जो भी हो, तो उसमें कंपनी क्या करती है, लॉक लगा देती है, फाइनेंस लॉक। तो इसका सॉल्यूशन मैं आज लेके आया हूँ। तो गाइस, सबसे पहले इसका फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है, जो कि आप मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। तो इसको खोलने के लिए सो आप मेरे वीडियो से बने रहिए, मैं टूल लिंक और जो प्रोसेस है मैं सब दिखा देता हूँ, आप लोग भी फ्री ऑफ कॉस्ट कर पाएंगे। सबसे पहले तो हमें फ़ोन को फॉर्मेट करना है। नॉर्मली तो आप लोगों को भी पता है फॉर्मेट कैसे किया जाता है। ये हमारे पास एक्चुअली में सैमसंग ये 12 मॉडल है, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे इसको फॉर्मेट किया जाता है। सबसे पहले सॉरी, मैं अपना स्टैंड भूल गया घर पे, चार्ज पे लगा दिया मैं। मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ करके दिखाता हूँ, सॉरी यार रिबूट कर दिया मैंने। तो सैम देख लें, फ़ोन हम बंद कर चुके हैं पूरी तरह से। मैं अपने PC में डाटा केबल लगा दिया हूँ, फ़ोन चार्ज उठाने का वेट कर रहे हैं हम लोग। देख रहे हैं चार्जिंग का सिंबल आ गया, लोगो आ गया। जैसे ही चार्जिंग इंक्रीज होता है, इस चार्जिंग पूरे डाटा केबल का कुछ इशू आ रहा है, चार्जिंग का सिंबल जैसे ही आता है वॉल्यूम अप पावर की, तो आप लोगों को पता है कैसे किया जाता है फॉर्मेट। प्रेस करके रखना है, फर्स्ट लोगो जैसे सैमसंग का है, पावर बटन रिलीज कर दीजिए, वॉल्यूम अप दबा के रखना है। रिकवरी लोगो पे आ गया, सबसे पहले हमें करना है फॉर्मेट वाइप डाटा फैक्ट्री सेट, ओके करना है। फैक्ट्री सेट रिबूट सिस्टम नो। तो ये तो नॉर्मली जनरल प्रोसेस हुआ, कोई फ़ोन का अगर लॉक खोलना है तो सबसे पहले फॉर्मेट करना होता है सैमसंग का फ़ोन। तो अब जो मैं टूल है मैं वो दिखा रहा हूँ, ये देखिए सैम FW, जो कि इसका डेली अपडेट मिलते रहता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और एक है सैमसंग स्पेशल टूल, ये दोनों मैं आपको ऐप सॉफ्टवेयर का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप बने रहिए वीडियो से, वीडियो स्किप ना कीजिएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है। बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रहा है। सो गाइज, थोड़ा कुछ मेरे चैनल में इशू आ गया था, मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, जब तक कि मेरा फ़ोन पूरी तरह से ऑन हो जाए मैं सारा टूल ओपन कर लेता हूँ, लोगों को दिखा देता हूँ अच्छे से। टूल मेरा वर्किंग है, देख सकते हैं मेरा टूल ओपन हो गया। देखिए सैमसंग स्पेशल टूल भी 5.0, एक ये टूल हो गया और एक ये टूल हो गया सैम FW। अब इसको सैमसंग पे जाना है, जब तक मैं आपको पूरी प्रोसेस दिखा देता हूँ। सैमसंग पे जाना है टेस्ट मोड पे, इसको रखना है, फिर इसको थोड़ा सा दोनों इस सॉफ्टवेयर को स्क्रीन पे लाना है। जब तक कि मेरा फ़ोन ऑन हो रहा है खुली तरह का, देख सकते हैं सेम वही फ़ोन है। मैं वीडियो पॉज करता हूँ जब तक कि वीडियो ऐसे लंबा हो जाएगा, जब तक पूरी फ़ोन ऑन होता है। देख सकते हैं मेरा फ़ोन पूरी तरह से ऑन हो चुका है, अभी ऑन हो रहा है, जस्ट और 10 मिनट लग सकता है, 10 सेकंड लग सकता है। आप लोग बने रहिए वीडियो से, वीडियो स्किप ना कीजिएगा, वीडियो काफ़ी हेल्पफुल एंड इंटरेस्टिंग होने वाली है, जो कि आप लोग एक बार समझ जाइएगा तो फिर ये आप लोग इजी तरीके से इसको बाईपास कर सकते हैं। परमानेंटली तो नहीं बोल सकता है इसे, परमानेंटली नहीं बोल सकते हैं, बट ये जो होता है ना बाईपास होता है। फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है, कोई इसका पेड वर्जन नहीं है।
मैं बस देखिए, सबसे पहले हमें ये टूल चाहिए, उसके बाद सब लोगों को पता है इसका यूएसबी ड्राइवर जो होता है वो सब अपडेट होना चाहिए अपने पीसी के अंदर। बट मेरा सब कुछ क्या हुआ है, मेरा तो शॉप है तो ये सब नहीं रखूँगा तो कैसे क्या होगा। देख सकते ये फ़ोन मेरा ऑन हो गया बिल्कुल। वेलकम लोगों पे आगे, वेलकम पेज पे सबसे पहले देखिए मुझे टेस्ट मोड है ना, यहाँ इस टूल को इनेबल करना है। गो इमरजेंसी कॉल डायल स्टार है 0*H। ओके इमरजेंसी फ़ोन में डायल कर रहा हूँ, 0*H। ओके मेरा टेस्ट मोड खुल गया, देखिए यहाँ इनेबलिंग क्या लिख दिया, इनेबलिंग ATV। ओके यहाँ आ गया सर, देखिए मेरा पॉपअप खुल गया। अब मैं आप लोगों को मोबाइल भी यहीं रख देता हूँ और ये भी यहीं रख देता हूँ। आप देख सकते हैं कैसे क्या करना है हमको, डायरेक्ट केज इसको हटाना है, KG अनलॉक पे जाना है डायरेक्ट। यहाँ देखिए KG अनलॉक सेटअप है ना, 1 2 3 4 चार नंबर पे इसको डायरेक्ट कर देना है। देखिए मेरा प्रोसेस चल चुका है, देखिए बिल्कुल लाइव प्रूफ करके देखो, देखिए मेरा प्रोसेस चल गया है। यहाँ देखिए ये जा रहा है, फ़ोन में भी कुछ पॉपअप आएगा, देखिए यूजिंग फाइल फॉर टेम्पी अनलॉक, ओके कनेक्टिंग टू डिवाइस, ओके बिल्कुल इजी है। बस वीडियो को स्किप मत कीजिए, बिल्कुल समझ जाइएगा अच्छे से। सैमसंग फाइनेंस लॉक जो होता है इजीली, देखिए यहाँ डिवाइस योर डिवाइस इज अनलॉकेड सक्सेसफुल्ली। ओके